सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। पीएम मोदी ने 2024 से पहले किया बड़ा वादा। प्रधानमंत्री ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत का दावा किया। पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को लेकर किया बड़ा बयान। कहा, देश अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में पांचवें स्थान पर है। पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर भी बोला हमला। कहा, नकारात्मक सोच वाले ने इस परियोजना को भी लटकाने का प्रयास किया। भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बाद पीएम मोदी के वादे पर कांग्रेस का तंज। यह तो तय है, चाहे कोई सरकार हो। आयुर्वेदिक इलाज कराने केरल पहुंचे राहुल गांधी। विश्वंभरा मंदिर में पूजा अर्चना की, फेसबुक पोस्ट के जरिए दी जानकारी। डीएमके मंत्रियों, सांसदों पर अन्नामलाई ले लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने राजभवन में राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की है। मणिपुर में राहुल गांधी ने लगाई आग। राज्यसभा में दिखा स्मृति ईरानी का रौद्र रूप। कांग्रेस पर जमकर बरसी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का भाजपा पर हमला। कहा, अगर बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव जीत गई तो संविधान को कोई नहीं बचा सकता। एमके स्टालिन का बड़ा दावा। बोले, डीएमके और गठबंधन साथी राज्य के सभी 39 लोकसभा सीटें जीतेंगे। पार्टी के नेताओं को भी दी सलाह। शाह की चिट्ठी पर खड़गे का जवाब। पीएम ने हमें आतंकवादियों से जोड़ा। उसी दिन गृह मंत्री ने सहयोग मांगा। आपकी कथनी करनी में यही फर्क है। हरियाणा में बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। 90 सीटों पर यात्राओं का शेड्यूल जारी। टारगेट पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव। कर्नाटक में कांग्रेस एमएलए का यू टर्न। बीजेपी पर फर्जी पत्र बनाने का आरोप। लेटर में लिखा, मंत्री से फंड नहीं मिल रहे हैं। मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर के करीब आगजनी और फायरिंग। गांगोपकी के भीड़ ने सुरक्षा बलों को दो बसें चला दी हैं। कोई हाथाहाथी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन से मिले कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया। बोले, अगले साल लोकसभा चुनाव। एसडी यूसीसी पर बेवजह तूल दे रही है भाजपा। अमित शाह का चुनावी रणनीति पर मंथन। भोपाल में बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ बैठक। चुनावी रोड मैप को लेकर दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन को मन कामेश्वर से संबोधित किया। मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र को भेजा जाएगा। मणिपुर की घटना पर सपा सांसद डिंपल यादव का आरोप। कहा, लोगों को इस पर अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। चौबीस इंडिया अलायंस करेगा बीजेपी का सफाया। अखिलेश यादव का दावा, गठबंधन का भी समझाया मतलब। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण को लेकर बनाए प्लान। सीएम योगी बोली, मथुरा वृंदावन में टूरिस्ट नहीं श्रद्धालु आते हैं। पुलिस करे अच्छा बर्ताव। पूर्व
मंत्री डीपी यादव सहित तीन बरी गाजियाबाद में नीतीश कटारा हत्याकांड के गवाह को मारने का हुआ था प्रयास। बुलियन कारोबारी से 50 करोड़ की तस्करी का खुलासा। बांग्लादेश से कानपुर लाया जा रहा था सोना, 1 करोड़ का गोल्ड और 64 लाख कैश बरामद। डॉक्टर ने पत्नी के ऑपरेशन में निकाल दी बच्चेदानी। वाराणसी में डॉक्टर के खिलाफ FIR, गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश। फर्जी IRS अधिकारी को 10 साल की कैद। युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, खुद को बताया था IRS अधिकारी। हिंडर और यमुना डूब क्षेत्र का होगा एरियल सर्वे। यहां कैसे बन गए पक्के मकान और फार्म हाउस, रजिस्ट्री विभाग के साथ होगी बैठक। बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट पीटकर हत्या। ममेरे भाइयों से चल रहा था 200 गज प्लाट को लेकर विवाद, के दिखाकर वापस लौट रहे थे घर। औरैया में प्रधान के धारदार हथियार से गला काटकर हत्या। शाम को टहलने के लिए घर से निकले थे प्रधान, संघ के पदाधिकारियों ने जताया दुख। सपा MLA इरफान गैंग पर एक और FIR, गुर्गों ने कब्जा की थी FENF चर्च की जमीन, 100 करोड़ से ज्यादा है कीमत। चित्रकूट में 10वीं की छात्रा के साथ रेप, 5 माह से टीचर कर रहा था रेप, तबियत खराब होने पर निकली 5 माह की गर्भवती, मुकदमा दर्ज। कानपुर देहात में रिंग नदी में डूबे 2 किशोर, गोताखोरों की मदद से पुलिस कर रही है तलाश, गांव के लड़कों के साथ नहाने गया था। सहारनपुर में दबंग युवकों ने वन गुजरों से मारपीट की है। वन गुजरों का आरोप नाबालिग से कर रहे थे युवक छेड़छाड़, विरोध करने पर कपड़े फाड़े। फिरोजाबाद में डंपर में बाइक सवार को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, साथी घायल। कारखाने में काम करने के बाद घर जा रहे थे रवि कुमार। चेतावनी बिंदु से 72 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा। गंगा किनारे खाद डूबे, गांवों की तरफ बढ़ रहा है पानी। शुक्लागंज में 300 मकान बाढ़ में डूबे। प्रयागराज से हरियाणा के लिए चलेगी कालिंदी एक्सप्रेस, 5 अगस्त से शुरू होगा संचालन। हरियाणा जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। उन्नाव में गंगा के जलस्तर में 1 सेंटीमीटर की गिरावट, मुश्किलें बरकरार। जलस्तर 112.330 मीटर पहुंच गया था, आज स्थिर रहा। छात्र की मौत मामले में 3 सदस्यीय टीम गठित, 3 दिन के बाद देवरिया TM को सौंपेगी रिपोर्ट। झूले से गिरकर 7वीं के छात्र की हुई थी मौत। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, 8 लोग गिरफ्तार। 8 वाहन भी सीज, बरामद हुए 4,800 रुपए। आगरा में यमुना फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंची, 497 फिर पहुंचा जलस्तर, लगातार हो रही है बढ़ोतरी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। रिटायर्ड लेखपाल व महिला पर हुई गैंगस्टर की कार्रवाई, उन्नाव में DM ने आदेश दिए, धोखाधड़ी गबन करने समेत कई आरोप हैं। अकीदत के साथ औरैया में निकला आलम का जुलूस, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जगह जगह सबील लगाकर किया गया जुलूस का स्वागत। संप्रेक्षण गृह से किशोरी के फरार होने से मचा हड़कंप, शासन ने 2 को सस्पेंड DM किया है, DM ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए।
आगरा में कागज गोदाम में लगी आग, दो घंटे में फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने पाया काबू, लाखों रुपए का नुकसान। कौशाम्बी में महिला को बंधक बनाकर लूट, दो गांव में चोरों का आतंक, 6 लाख के जेवरात व नकदी उठा ले गए चोर। बिजनौर में चलती बाइक पर युवक को आया हार्ट अटैक, अचानक लहराई बाइक, सड़क पर गिरा, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। अमेठी पुलिस की मुस्तैदी से चला बड़ा बवाल, 10 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज, डीडीसी की गाड़ी सीज। गाजियाबाद में कार की खिड़की पर लटक कर बनवाई रील, एक आरोपी गिरफ्तार, कार भी हुई सीज, बाकी दोस्तों की तलाश जारी है। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट मिलते ही सरकार का अगला कदम उठाएगी, बोले सीएम धामी, अंतिम चरण में रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीएम धामी का विपक्ष पर वार, बोले प्रदेश में एयरो सिटी का कोई प्रस्ताव नहीं, कुछ लोग अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं। उत्तराखंड में 3 अगस्त को होगी मंत्रिमंडल की बैठक, ड्रोन पॉलिसी सहित कई प्रस्ताव आएंगे, शिक्षा विभाग से जुड़े आएंगे प्रस्ताव। उत्तराखंड में टैक्स चोरी की शिकायत, राज्य कर के 3 अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, मुख्यमंत्री धामी को भेजी फाइल। उत्तराखंड में चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी निलंबित, पद के अनुरूप आचरण न करने का आरोप। उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश, राजमार्गों और सड़कों के किनारे से हटाए अतिक्रमण, 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड के गुरुद्वार घूमने आए थे यूपी के 4 युवक, नहाते समय एक खोह में नदी में डूबा, एसडीआरएफ ने बरामद किया शव। उत्तराखंड पटवारी और एजेई पेपर लीक प्रकरण में फरार आरोपी के घर की कुर्की, नोटिस चस्पा कर कराई गई थी मुरादी। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद, नदियों का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड में नमक नाला में 6 घंटे बंद रहा चीन सीमा को जोड़ने वाला जोशीमठ मलारी हाईवे, बार बार गिर रहा है मलबा। हिमाचल में 8 जिलों में अलर्ट, भारी बारिश होने की चेतावनी, बादल फटने की घटना, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, शिलाई शिमला रोड ब्लॉक। हरियाणा के 6 जिलों में 16 जिलों में बारिश का अलर्ट है, बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ा, 4 जिलों में डेंगू के 100 मरीज। पंजाब में 19 जिले बाढ़ से प्रभावित, 1472 गांव डूबे, 42 लोगों की मौत, 1147 घरों को नुकसान हुआ है, 169 राहत शिविरों में रह रहे लोग। सोनीपत में यमुना में गैस पाइपलाइन फटी, 40 फुट तक उछला पानी, पानीपत रिफाइनरी से सीएनजी सप्लाई रोकी, पत्थर टकराने की संभावना। जुलाई में बारिश का रिकॉर्ड टूटा, गुजरात में सामान्य से 90%, तो दिल्ली में 45% ज्यादा बारिश, मुंबई में रेड अलर्ट। तानाशाह किम से मिले रूसी रक्षा मंत्री, नॉर्थ कोरिया के हथियार मिसाइलें देखी, पुतिन का लेटर सौंपा, कहा ये दुनिया की सबसे ताकतवर सेना।
अफ्रीकी देश नाइजर में सेना का तख्ता पलट, राष्ट्रपति को अरेस्ट किया, सरकारी सभी दफ्तर सस्पेंड कर दिए गए, बॉर्डर सील कर दिए गए। कंगाल पाकिस्तान को फंसाने पर चीन की नजर, पाकिस्तान के ऊर्जा संसाधन नया टारगेट, गैस कंपनियां खरीदने जा रहा है ड्रैगन। अमेरिका में सड़कों पर भूखी प्यासी घूम रही हैदराबाद की बेटी, सामान चोरी हुआ, डिप्रेशन में गई, मां ने विदेश मंत्री से मदद मांगी। लंदन में धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया बड़ा बयान, बोले कोहिनूर लेकर ही लौटेंगे, पहले अंग्रेज भारत में बोलते थे, अब हम बोल रहे हैं और ये सुन रहे हैं। टिकट न होने के गलत आरोप में अश्वेत महिला गिरफ्तार, कतर में अंगूठा दिखाना अश्लील हरकत, इजराइल में पुलिस आर्मी ऑफिसर की फोटो लेने पर जेल। ऑस्ट्रेलिया के तट पर फंसी 100 माइलेट व्हेल, 51 की मौत, 46 का रेस्क्यू उछारे, एक्सपर्ट बोले यह बीमारी का संकेत हो सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, स्थानीय तमिलों के साथ संबंध सुधारने पर हुई चर्चा, श्रीलंका की विपक्षी पार्टियां बटी नजर आईं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की याचिका खारिज की, तोशखाना मामले में कार्यवाही रोकने को लेकर की गई थी अपील। नहीं थम रहा है कुरान का अपमान, डेनमार्क में एक बार फिर से मिस्र और तुर्की दूतावास के सामने जलाई गई पवित्र पुस्तक। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट सहित अन्य कंपनियों के पास से पहले एक्स ट्रेडमार्क, ट्विटर की रिबॉन्डिंग के कारण कानूनी उलझन में फंस सकते हैं एलन मस्क। आईएमएफ ने 0.20% बढ़ाए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, वाईएफ 24 में 6.1% रह सकती है, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। गो फर्स्ट एयरलाइन की टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल, जल्दी उड़ानें दोबारा शुरू हो सकती हैं, 3 मई से बंद है फ्लाइट्स। रेडमी का लॉन्चिंग इवेंट का 1 अगस्त को होगा, कंपनी ने रेडमी 12 स्मार्टफोन, वॉच 3 और स्मार्ट टीवी एक्स सीरीज के टीजर जारी किए। बिजली गुल, स्पेस स्टेशन से टूटा नासा का संपर्क, एस्ट्रोनॉट से बात नहीं हो पा रही थी, पहली बार बैकअप सिस्टम एक्टिव किया। सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 स्मार्टफोन अनवील, कंपनी का दावा ये सबसे पतला और हल्का फोल्डेबल फोन, स्मार्ट वॉच 6 भी पेश की है। रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का नाम अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आरआईएल से अलग होने के बाद बदला नाम, जल्द लिस्टेड होगी कंपनी। बैंकों ने 9 साल में 10 लाख करोड़ से ज्यादा बकाया वसूले, आरबीआई ने कहा सरकार के उपायों का दिखा असर। महिंद्रा समूह ने आरबीएल बैंक में 4.9% हिस्सेदारी खरीदी, शेयरों में 7% से अधिक का उछाल, आरबीएल बैंक की देश भर में 500 से अधिक शाखाएं हैं। भारत बांग्लादेश के बीच रुपए में पहला शिपमेंट, डॉलर की निर्भरता कम करना एक नए कदम का उद्देश्य। विराट को लेकर रोहित शर्मा का बयान, बोले विराट को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बुमराह रिकवरी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप से पहले जितने ज्यादा मैच खेले। कोलंबो टेस्ट, पाकिस्तान के श्रीलंका पर 397 रन की बढ़त, अब्दुल्ला शफी का दोहरा शतक, पहली पारी में पाकिस्तान का स्कोर 563/5।
तिलका ट्रॉफी 2023 में साउथ जोन ने वेस्ट जोन को 12 रन से हराया। प्रभसिमरन सिंह ने नॉर्थ जोन के लिए खेली शतकीय पारी। एशियाड में हिस्सा लेगी भारत की फुटबॉल टीमें। खेल मंत्रालय से हरी झंडी मिली। मिस विमेंस के अंडर 23 टीमें 3 सीनियर प्लेयर रख सकेंगे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रोहित 9वें स्थान पर पहुंचे। यशस्वी जायसवाल को 11 स्थान का फायदा। गेंदबाजों में अश्विन टॉप पर। बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के लिए बनाई 2 सब कमेटी। अध्यक्ष और सेक्रेटरी वेन्यू की देखरेख करने वाली कमेटी में शामिल। इंडिया पाकिस्तान मैच का एक दिन पहले हो सकता है अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को होना है मुकाबला। एजेंसियां बोली इसी दिन नवरात्रि तारीख बदले। मलेशियाई गेंदबाज शार्दुल रूट का वर्ल्ड रिकॉर्ड। टी20 में 7 विकेट लिए ऐसा करने वाले पहले प्लेयर बने। चीन 23 रन पर ऑल आउट। आयरलैंड दौरे पर बुमराह को मिल सकती है कप्तानी। हार्दिक रोहित और सूर्य कुमार बेंगलुरु में एशिया कप की तैयारी करेंगे। सऊदी क्लब अल हिलाल से नहीं जुड़ेंगे बापे। 27 करोड़ के ऑफर को ठुकरा है। रियल मैड्रिड के लिए खेलना चाहते हैं बापे। पहले दिन 8 से 10 करोड़ कमा सकती है रॉकी और रानी। 35 से 40 करोड़ कर सकता है फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन। 178 करोड़ में बनी है फिल्म। अफ्रीका में सेट में हो सकती आरआर 2 की कहानी। 2025 में शुरू होगी प्री प्रोडक्शन वर्क। राजा मौली के पिता करें स्क्रिप्ट पर काम। पंद्रह करोड़ में शूट हुआ जवान का गाना जिंदा बंदा। अगस्त में रिलीज होगी। 1000 फीमेल डांसर्स के साथ डांस करते दिखे शाहरुख। मोहनलाल ने 63 साल की उम्र में किया इंटेंस वर्कआउट। जिम में उठाया 100 किलो का वजन। गजब का डेडिकेशन देखा। अमीषा पटेल पर कोर्ट ने 500 रुपए का जुर्माना लगाया। 2.5 करोड़ रुपए ठगने का आरोप। चेक बाउंस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को है। सनी देओल बोले भारत पाक के बीच सियासत नफरत पैदा करती है। गदर 2 ट्रेलर लॉन्च पर कहा जनता नहीं चाहती हम आपस में लड़ें। सुपर डांसर्स के मेकर्स जज और चैनल पर लीगल एक्शन। नेशनल चैनल पर बच्चे से अश्लील सवाल पूछने का आरोप। एनसीपीसीआर ने भेजा नोटिस। गदर 2 के ट्रेलर लॉन्च पर रो पड़े सनी देओल। अमीषा पटेल ने पोछे उनके आंसू। 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। पंजाब की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। बॉलीवुड एक्टर ने ट्वीट लिखा उस धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया अब लौटाने का समय आ गया। फिल्म बारबी को लेकर जूही परमार ने जताई नाराजगी। बोली बेटी के साथ गई थी आपत्तिजनक शब्द थे। 15 मिनट में थिएटर से बाहर आना पड़ा। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।